नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइन पे में स्वागत है। मेरे पास में एक ये अल्टो एलेक्साई गाड़ी है जिसमें कूलेंट लीकेज की प्रॉब्लम है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से पता लगाएं कि आपकी गाड़ी के कूलिंग सिस्टम में किस जगह से कूलेंट जो वो लीक कर रहा है और उसे आप किस तरह से रिपेयर करें। सबसे पहले आपको अपने कूलेंट रिजर्वायर को चेक करना है। इसमें कूलेंट बिल्कुल भी नहीं है तो इसका मतलब यही रहता है कि आपकी कूलेंट सिस्टम से कहीं से लीकेज है। और उसके बाद कन्फर्म करने के लिए आप अपने रेडिएटर की जो कैप है इसे ओपन करके चेक करें कि इसमें आपको कूलेंट दिखाई देता है या नहीं। अगर कूलेंट नहीं दिखता है तो इसका मतलब यही है, 100% श्योर आप हो जाएंगे कि आपके कूलिंग सिस्टम से कहीं से कूलेंट लीक हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि इसका जो कूलेंट रिजर्वायर है इसमें बिल्कुल भी कूलेंट नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एम्प्टी है। और साथ ही मैं इसकी जो रेडिएटर कैप है उसे भी ओपन करके आपको चेक करवा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी यहाँ पे कूलेंट नहीं है, ये देखिए। तो सबसे पहले हम इसे जो है वो पानी से फिल करेंगे। आप नॉर्मल वाटर भी इसमें अभी डाल सकते हैं ताकि हम इसका जो लीकेज है उसकी पता लगा सकें कि कहाँ से लीक हो रहा है। आपको रेडिएटर में पानी डालने के बाद अपनी गाड़ी के नीचे चेक कर लेना है कि कहीं से लीकेज आपको दिखाई देती है या नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे केस में यहाँ पे पानी ऊपर से निकल रहा है, देख सकते हैं आप ड्रॉप्स जो ऊपर से गिर रही हैं। तो आपको ये भी चेक कर लेना है साथ में कि गाड़ी के किस साइड से आपको जो लीकेज यहाँ पे दिख रही है। तो मेरे केस में जो वो ड्राइवर साइड के टायर के बिल्कुल बॉटम में आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी निकल रहा है। तो ये जो लीकेज है ये आपकी किसी भी जगह से हो सकती है। ये किसी हॉर्स पाइप के क्रैक होने की वजह से भी निकल सकती है या कोई गैसकेट जो है वो अगर वो खराब हो गई होगी तो वहाँ से भी निकल सकती है। और साथ ही में इस साइड में हमारा वाटर पंप भी रहता है तो उसकी गैसकेट भी कई बार जो है वो लीकेज कर जाती है। और मान लीजिए कि आपने अपनी गाड़ी के नीचे चेक किया और आपको लीकेज नहीं दिखी, तो ऐसे में आपको अपनी जो हॉर्स पाइप्स होती हैं वो इस तरह से दबानी है और जहाँ पे भी लीकेज होगी वहाँ से एकदम से जो है वो अगर आपकी कोई पाइप कटी होगी तो उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। अगर कहीं और से भी होगी तब भी पानी निकलना शुरू हो जाएगा और कई बार ऐसे भी पता नहीं चलता है। तो ऐसे में आपको अपनी गाड़ी का इंजन स्टार्ट करना पड़ेगा और उसको 5 मिनट कम से कम जो है वो ऑन रखना पड़ेगा। और उसके बाद इसमें जो है वो प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा हीट के कारण और अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से जो पानी लीक हो रहा है। आपको अपनी गाड़ी के नीचे दोबारा से चेक करना है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया मेरी गाड़ी में जो लीकेज है वो ड्राइवर साइड से हो रही है, तो ऐसे में हो सकता है कि यहाँ पे जो वाटर पंप लगा रहता है वहाँ से लीकेज हो। लेकिन मैंने अभी चेक किया तो वाटर पंप के आसपास कहीं पे भी लीकेज नहीं है। लेकिन जो यहाँ पे अल्टरनेटर है इसके बैक साइड में यहाँ पे वाटर इनलेट की पाइप लगी रहती है तो उस जगह पे ये लीकेज हो रही है। हो सकता है कि हॉस पाइप टूटी हो सकता है कि यहाँ पे गैसकेट खराब हो, या हो सकता है यहाँ पे एक जो हॉस पाइप को कनेक्ट करता है उसे हम कैप भी कह देते हैं, इनलेट कैप शायद उसमें, या एल्बो भी बोल देते हैं कई लोग, शायद वो कट गई हो। तो हमें जो पहले अपना यहाँ पे जो एयर फिल्टर का ये असेंबली है ये ओपन करनी पड़ेगी और उसके बाद हमारे जो इनटेक मैनिफोल्ड है इसे सब ओपन करना पड़ेगा, तभी मैं आपको ये दिखा पाऊँगा कि किस जगह पे हमारी जो लीकेज है वो है। तो सिंपली हमें यहाँ पे जितने भी ये नट बोल्ट्स लगे हुए हैं इस असेंबली को होल्ड करने के लिए, और यहाँ पे जो ये हॉर्स पाइप्स लगी हुई हैं, और यहाँ पे कुछ एक कनेक्टर्स लगे हुए हैं सेंसर्स के, ये सभी ओपन करने पड़ेंगे। सब कुछ ओपन करने से पहले आप अपनी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल को ओपन करके ज़रूर निकाल दें ताकि कोई भी सेंसर जो है वो शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। अभी मैंने एयर फिल्टर असेंबली को तो जो है वो ओपन करके साइड पे रख दिया है और इसके बाद हम जो अपनी इनटेक मैनिफोल्ड को ओपन करेंगे। और इसे ओपन करने के लिए बैक साइड पे यहाँ पे दो नट लगे रहते हैं दोनों तरफ, और जो बीच में है दो दो जो है वो बोल्ट लगे रहते हैं ऊपर और नीचे की तरफ के, और उन दोनों का जो साइज़ है वो डिफरेंट होता है। तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि कौन सा बोल्ट जो है वो कहाँ पर लगेगा। तो इन्हें मैं ओपन कर लेता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ। और साथ में यहाँ पर हमें जो इंजेक्टर की ये हमारी फ्यूल की जो पाइप है इसे ओपन कर लेना है। ये यहाँ पे हमारे फ्यूल इंजेक्टर्स लगे हैं और इनमें यहाँ पे जो वायरिंग्स है इनके यहाँ पे जो प्लग्स वगैरह लगे हुए हैं इन्हें भी ओपन कर लेना है। तो मैं इन सब चीज़ों को ओपन कर लेता हूँ उसके बाद ही आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से लीकेज हो रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने मैनिफोल्ड को ओपन कर लिया है। इस जगह पे हमारे दो नट लगे रहते हैं बिल्कुल साइड्स पे और यहाँ पे बोल्ट लगे रहते हैं। ऊपर वाले बोल्ट का जो साइज़ है वो बड़ा रहता है, ये देखिए, और जो नीचे वाला बोल्ट रहता है वो इसके कंपेरिजन छोटा रहता है, ये देखिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है जब आप इसे बाद में इंस्टॉल करेंगे।
अभी मैं इसे जो वो रिमूव करके जो है वो बिल्कुल साइड पे रख दूंगा ताकि इसमें जो वो कहीं से भी धूल मिट्टी ना चले जाए। अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि किस जगह से लीकेज हो रही है। तो ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये यहाँ पे हमारा इनलेट कैप रहती है और ये इनलेट यहाँ पे होज़ है। तो मैंने होज पाइप को जो चेक कर लिया है, इसमें से कोई भी लीकेज नहीं हो रही है और जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे की तरफ से अभी भी पानी जो निकल रहा है और यहाँ पे जंग भी काफ़ी लग चुका है। तो हमें जो इस कैप को ओपन करके चेक करना पड़ेगा कि इस कैप में कोई क्रैक है या इसकी जो गैस्केट है वो ख़राब है। तो इसे ओपन करने के लिए यहाँ पे दो बोल्ट लगे रहते हैं 10 mm के, तो इन्हें हम अभी ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इस कैप को ओपन कर लिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो गैस्केट है वो पूरी तरह से बर्न हो चुकी है। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं और साथ ही में ये जो कैप है इसमें ये देखिए यहाँ पर होल पड़ चुका है और छोटा सा होल यहाँ पे भी गिरने जा रहा है, यहाँ पे भी होने जा रहा है। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा अगर ऐसा केस होता है तो आप इस पूरी की पूरी कैप को ही चेंज कर लें। तो अभी मैं इस कैप की जो रिप्लेसमेंट ले आता हूँ और उसके बाद यहाँ पे ये जो गैस्केट का एरिया है इसको आपको अच्छी तरह से क्लीन करना है। आप एक स्क्रबर का यूज़ कर सकते हैं और मेटल पार्ट कुछ भी यूज़ मत करिएगा, धीरे धीरे से निकाल लीजिएगा, बिल्कुल आपको क्लीन कर लेना है तभी इसमें जो है नई गैस्केट आपकी लगेगी सही से। और ये भी पार्ट जो है हम नया इसमें लगा देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इस एरिया को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है और यहाँ पे बिल्कुल भी अब जो पुरानी गैस्केट है उसके कोई भी मार्किंग नहीं है। तो आपको भी इस तरह से इसे अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है और इसे क्लीन करने के लिए मैंने बस इस स्क्रबर का ही यूज़ किया है और थोड़ा सा सोपी वाटर इसमें लगा के इसे अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। मैं अभी बाजार से जो एक जेन्युइन पार्ट जो इसका लेके आ चुका हूँ। आपको भी हमेशा अपनी गाड़ी में जो एक जेन्युइन पार्ट ही डालना है, ये देखिए मारुति सुजुकी का जेन्युइन पार्ट है और इसमें आपको इसे लगाना है। तो ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल नया है और जो पुराने वाला है ये देख सकते हैं आप। अगर आपको बाय चांस इसकी रिप्लेसमेंट नहीं मिलती है तो आप इस जगह पे जहाँ पे ये छोटा सा होल होने लगा है इस जगह पे आप वेल्डिंग भी करवा सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको नया पार्ट मिल जाता है तो नया पार्ट ही इसमें लगाएं। और जो हमारी गैस्केट ख़राब हुई थी ये हमारी जो नई गैस्केट है वो लगेगी इसमें, ये भी ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट है। तो इसे जो अब हम इस तरह से लगाएंगे और फेस जो हमने पहले से क्लीन कर लिया है और ये नया फेस जो है वो काफ़ी स्मूद है और इस तरह से हम इसे जो है वो लगाएंगे। तो आप चाहें तो इसमें जो RTV जो गैस्केट मेकर है वो भी थोड़ा थोड़ा लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ना ही लगाएं तो अच्छा है क्योंकि ये जो सरफेस है ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और इसमें कोई भी डेंट वगैरह नहीं है। तो ऐसे में आपको RTV गैस्केट मेकर जो इसमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इस तरह से इसे पकड़ना है और इसके जो बोल्ट्स हैं उन्हें इसे इसमें इस तरह से लगा दे, इस तरह से इसमें लगा के जो वो नीचे कस देना है। मैंने जो इस नए पार्ट को अच्छी तरह से लगा दिया है उसे जो अब अच्छी तरह से टाइट भी कर लिया है। इसके बाद में जो हमने ये हॉस पाइप निकाली थी ये हमारी बाईपास की हॉस पाइप है, इसे हम लगा देंगे इस तरह से और जो एक हॉस पाइप यहाँ पे लगेगी और इस जगह पे कनेक्ट होती है इसे भी लगा के हम इसके जो क्लिप्स हैं उन्हें टाइट कर देंगे। इस जगह पे मुझे अब बस एक ही चीज़ लगाना रह गया और वो ये सेंसर है। तो इस सेंसर को मैं इस जगह पे लगा दूंगा और ये कौन सा सेंसर है अगर आपको ये मालूम है तो इसे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो मालूम है ये कौन सा सेंसर है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपको भी मालूम है या नहीं, तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि ये कौन सा सेंसर है। आपको सब कुछ असेंबल करने से पहले अपने कूलिंग सिस्टम में जो पानी डाल लेना है और पानी डालने के बाद आपको जो वो चेक कर लेना है कि आपकी जो यहाँ से लीकेज की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है या नहीं। और साथ ही में इन पाइप्स को जब वो इस तरह से दबा के भी चेक कर लेना है ताकि आप ये कंफर्म कर सकें कि यहाँ से कोई लीकेज तो नहीं हो रही है। और साथ ही में ये भी चेक कर लीजिए कि ये जो आपने पाइप लगाई है वापस से ये अच्छी तरह से लग गई है, क्योंकि कई बार जो ये अच्छे से नहीं लगती है और इस जगह से जो वो पानी लीक हो जाता है। जैसे कि अभी मेरे केस में भी यहाँ पर अगर आप थोड़ा देख पा रहे हो तो यहाँ पर मेरी फिंगर पर भी जो पानी लग रहा है,
तो इस जगह से जो वो लीकेज हो रही है, इसका मतलब ये है कि मेरी जो ये पाइप है ये शायद थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि इसमें इस जगह पे जो हमने इसकी कैप चेंज की है इसमें जंग लगा हुआ था। मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ, ये मेरे जो पुरानी वाली कैप है इसमें आप देख सकते हैं कि इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा जंग लगा है, तो हो सकता है कि ये जो पाइप है ये यहाँ से थोड़ी बहुत जो वो फूल गई हो और ख़राब हो चुकी हो। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जो अब एक नई पाइप जो है वो लगा दूंगा, तो वो मैं पहले से एक नई पाइप जो लेके आ चुका हूँ, ये कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, इसलिए मैं इस पाइप को चेंज कर दूंगा। और साथ ही में ये जो बाईपास वाली पाइप लगी हुई है इसको भी मैं चेंज कर दूंगा, ये भी कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, ये भी 2600 रुपये में आ जाती है, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, इसे भी मैं साथ में ही चेंज कर दूंगा। अभी मैं आपको जो इस पाइप को भी चेक करवा देता हूँ, जो हमारी पुरानी वाली पाइप है, बिल्कुल इस जगह पे ये पाइप जो है वो कैप के साथ लगती है, और अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो ये देखिए बिल्कुल जो आप आगे की तरफ देख पा रहे हैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा जंग लगा हुआ है, और यहाँ से ये थोड़ी डिफॉर्म हो चुकी है, तो इसी के कारण जो है वो यहाँ से बिल्कुल हल्का हल्का सा जो पानी है वो निकल रहा है, वो भी तब निकल रहा है जब इस पे ऊपर मैं पाइप के ऊपर जो है वो इस तरह से प्रेशर डाल रहा हूँ, तो बिल्कुल माइनर सा पानी निकल रहा है। तो हो सकता है कि जब हम अपनी गाड़ी को ऑन करें या हमारा इंजन स्टार्ट होगा तो इसमें जो प्रेशर ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है, तो उस टाइम पे यहाँ पे जो है वो ज़्यादा लीकेज की प्रॉब्लम आ जाए, तो इसीलिए जो है वो मैं यहाँ पे नई पाइप जो डाल रहा हूँ। और आपके केस में भी अगर जो कैप है उसके ऊपर जंग वगैरह लगा हो तो उसे आप अगर चेंज कर रहे हैं तो उसके साथ आप अपनी पाइप्स भी जो है वो चेंज कर ले तो अच्छा रहेगा। मैंने जो नई हॉस पाइप्स को लगा दिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कूलिंग सिस्टम है उसमें पानी भी डाल दिया है, और इसके बाद मैंने चेक कर लिया है कि अब कोई लीकेज तो नहीं है, अब सारी जो लीकेज की प्रॉब्लम है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तो अब मैं जो सब कुछ जो है वापस से इंस्टॉल कर दूंगा। मैंने जो वो सब कुछ असेंबल कर लिया है और गाड़ी को स्टार्ट कर दिया है, गाड़ी को स्टार्ट किया है मुझे जो है 10 मिनट से ऊपर हो चुके हैं, और मैंने जो इसे अच्छी तरह से चेक कर लिया है, कहीं पर भी कोई भी लीकेज नहीं है। अब जो है मुझे सिर्फ इसमें जो वो कूलेंट डालना बाकी है, जो कि मैं थोड़ी देर के बाद इसमें कूलेंट डालूंगा जैसे ही गाड़ी जो है बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, और इसमें कितना कूलेंट डालना है और उस कूलेंट में कितना आपको पानी मिक्स करना है और कौन सा पानी आपको डालना है वो सब मैं आपको एक वीडियो अलग वीडियो में बता दूंगा, जिसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसी ही आगे आने वाली वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।